मार्केट पर पूरा क्रिस्पी आउ क्रंची थाए सिंगड़ा खाइबा को बहुत लोग भल पाई था विशेषकर वर्षा पागर छणा छणी जिनस खाइबा को बहुत भल लगी था एमपे तो वर्षा पाग चली तेणुक आज चलत सिंगड़ा टी बन नवा किंतु ता पूर्व मु समस्त रिक्वेस्ट करी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आ साइड थिबा बेल आइकन टी को दबे दियंतु मोर वीडियो गुड़िक जदि भल लगे तबे लाइक एंड शेयर करबा को जमा भी भूलिबेनी तबे चलंतु देखि नबा आज रो रेसिपी। समोसा बनाया पाई मुझे ठीक गोटे कप मैदा रखी तापाई मु हाफ चमच लुण नहीं जुआनी रखी गोटे चमच पाखापाखी जुआनी रखी मैदा दलिया पाई सिंगड़ा छांकिया पाई एवं आलू मसला बनाया पाई मुझे रिफाइंड ऑयल नहीं मीडियम साइज आलू को सीझे रखी गोटे मीडियम साइज प्याज को यहपर फाइन चॉप कर रखी किछि काजू चीना बादाम एवं किसमिस को एपरि रखिछि एडी गोटे चम्मच अदा रसुन पेस्ट नेछि लुण स्वाद अनुसार हाफ चम्मच हलदी गुंड स्वाद अनुसार लंका गुंड मध्य स्वाद अनुसार करी पाउडर हाफ चम्मच के चिकन मसला एवं गरम मसला हाफ चम्मच ए सब नै आमे बनेबा सिंगडा। सर्वप्रथमे आम यू दुई चमच मैदा खोली रखिद फ्यूचर यूज पाई आम लुण स्वाद अनुसार एड कर जुआणी को हाथ में टिके क्रस कर एड कर आईपरी टिके हल नहीं एम तेल गोटे बड़ टेन चमच ब 1 टेबल स्पून एड करिबा एगुड़ी को एपरी भलो भाबे मिसै नबा। सो एटी देखंतु हाथ मुठारे मुठा हला भलिया कंसिस्टेंसी रे आमे तेल एड करिबा एपरी भाबरे एड करिबा एट बेसी करिवानी कोन पई की नहले तेल एहा बहुत अब्जर्व करिवो। एबे आमे इथिरे अल्प अल्प करी पानी एड करिबा गोटे अट्टा भलिया डो तयारी करि नबा टोटल हाफ कप पानी मुझे ऐड कर 10-15 मिनिट रेस्ट करे आम आलू मसला तैयारी करें प्रथम प्यान टी गरम करवा तो प्यान आम देखते गरम हो गलाढ़ चमच पखापाखि तेल ऐड करवा तेल भी गरम हो गलाठी आम का रखि पिज गुड़ी एड कर आओ आपको टिके हल्का फ्राई करी ना प्याजर कलर चेंज हो गलाठी आम अदा रसुन पेस्ट मध्य ऐड कर अदा रसुन पेस्ट ऐड कला परे भल भाव मिसई नबा एथिरे आमे सबुतक गुंड मसला ऐड करी नबा लुण हलदी गुंड लंका गुंड गरम मसला गुंड करी पाउडर एवं चिकन मसला ए सब जिनस आमे ऐड करी नबा आ भल भाव मिसई नबा। एठी देखंतु ए सब जिनस भल भाव मिसि गलाणी एबे आलू टिको आमे एपरी हाथ रे टिके मैश करी नबा आ मसला सहित मिसई नबा एहाकु टिके भलो भाबे चले नबा आ एबे आमे एथिरे ड्राई फ्रूट्स गुडी को ऐड करि नबा आ एगुडी को एपरि मिसई नै भलो भाबे मिक्स करि दबा एटी देखु आलू मसला आम बनिक रेडी गलानी एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करदे अन्य पक्ष आमर ये मैदा रेस्ट कर 10 मिनिट पर आमे ये
एपरी गोल गोल करी नबा आओ एगुडी को एपरी करी हमें बेली नबा मु गोटी बेली नै आपन को देखे दउ छी आओ एगुडी गोटी लंबा करी किना बेली को पड़िबो कोन पई की हमें आको दुई भाग रे जते बेला काटिबो हमको सुविधा हबो सिंगडा बनैया पई एई देखंतु एई परी करी टिके बहुत बेसी पतला करिया दरकार नै किंतु याको लंबा करी की टिके बेलिया को पड़िबो यहाँ पर हम मझे परी कट कर गोटे साइड करना रखिद ये आउ गोटे बेलिकी देखिए ये देखते कत सुंदर भाव में यहपरी अंडा सेप रो बनई नब को मजुरी परी कट कर सब गुड़िक बनी रेडी एमें मैदार गोटे पेस्ट बनई नब मैदार अल्प टिके पानी ऐड करी यार पेस्ट टी को यहपरी बनैब ए लुण आड कर आवश्यक नहीं देखो पेस्ट टीपरी बनी जा तार कनसीस्टेन्सी देखु अल्प टिके थिकनेस रार बेस थिक हवा कौन से आवश्यक ना पानी ठू जस्ट टिके अधिक थिक रेमें आलू मसला गुड़ी को भरीद सिंगड़ा को सेप दे दबा तो यहीपरी करें प्रथम फोल्ड कर पेस्ट रु ए लगे नबा द्वारा एटा आओ फाटी जीवो नहीं एबे हमें या भितरे आलू मसला टिके दे दबा आओ मन रखिथिबे ऊपर को जमती गोटे इंच छाड़ी कि हमें आलू मसला ऐड करूचे ना ले एठी हमें ताको सेट कर परिवानी सेट करिवारे प्रॉब्लम हेले यहाँ फाटी जीवो आओ अमर सिंगड़ा भल भाव बनी पारनी तेल खराब हो बहुत चांस थाए एमें टिके मैदा पेस्ट दे देदब आओ यहाँ को भल भाव सिल कर देखु मैंने गोटे मैदा गोटे समोसा बनई कि रेडी करदे यहीपरी कर सब गुड़ को बनई नब मुझे से करी सेम प्रोसेस रे बनई कि आपन को देखे दो छी समोसा रे जुआनी पड़े तार टेस्ट बहुत भल आसी थाए देखते एगुड़ी कत सुंदर दिशुची एबे आम समोसा गुड़ी को छाणी नबा तो आम कड़ई टी गरम कर कड़ई आमर ये गरम हो गला ये छाणी आम ये तेल ऐड कर तेल को बहुत बेस गरम करने कौन से आवश्यक ना समोसा गुड़ी को छाणी बेले गैस फ्लेम को मीडियम रे रखिए ना समोसा ऊपर पटे रेड हो
କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଡ଼ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଥରରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଆଡ଼ କରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏ କଡ଼େଇଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଆପଣ କଡ଼େଇ ହିସାବରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏହା ଯେପରି ସବୁ ପଟରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସବୁ ପାଖରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏପରି କରି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୋସା ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଥରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ନା ଏହା ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ପରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି, ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।